हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से निशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने साथ डेनमार्क का मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन प्लेस कोपेनहेगन जू ले चलती हूँ। कोपेनहेगन जू यूरोप के सबसे पुराने जू में से एक है। 27 एकर्स में फैला यह जू 1859 में बनाया गया। सबसे पहले हमने यह क्यूट से पेंगुइन देखे। यहाँ एक पॉन्ड था जिसमें छोटी छोटी रॉक्स बनी हुई थी। मौसम बहुत सुहावना था, धूप भी अच्छी निकली हुई थी, तो सभी पेंगुइन्स पानी से निकलकर रॉक में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सनबाथ ले रहे हैं। एक पेंगुइन तो पॉन्ड के एंड में आकर ग्लास के पास बैठा हुआ था, मानो हमसे बातें कर रहा हो। ये लायन हैं, इनकी पूरी फैमिली सो रही थी। ये महाशय तो पेड़ों के पीछे छिपे बैठे थे, काफी इंतजार के बाद सामने आए। ये है फ्लेमिंगोस, जिन्हें हिंदी में राजहंस कहते हैं। फ्लेमिंगो अपने सुंदर पंखों, अपनी पतली और लंबी टांगों के लिए और एस शेप नेक के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब वे आराम करना चाहते हैं या सोते हैं तो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। इनका ऑरेंज कलर, उनका एक साथ झुंड में आना, मैं आपको बता नहीं सकती कि सब कितना ही सुंदर लग रहा था। ये सील हैं जो कि काफ़ी एक्साइटेड होकर स्विमिंग कर रहे थे। सील बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं। अब बारी आती है पैंडा की, जिसे देखने के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। देखा तो एक पैंडा यहाँ सो रहा था और दूसरा कहीं नहीं दिख रहा था। यह देखकर थोड़ा मूड ऑफ हुआ कि अगर आज नहीं देख पाए तो पता नहीं फिर कब देखेंगे। आखिर बहुत लंबे इंतज़ार के बाद यह खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। देखिए कितने मज़े से अपना खाना बैम्बू खा रहा है। यहाँ जू में दो जाइंट पैंडा हैं, जिसे डेनमार्क ने चाइना से 2019 में 15 ईयर्स के लिए लीज पर लिया है। ये जाइंट पैंडा सिर्फ चाइना में ही पाए जाते हैं। पोलार बेर ने तो जैसे सामने आने से ही मना कर दिया, मैं बस इतना ही वीडियो ले पाई।
इन एनिमल्स के साथ हमारा आज का दिन बहुत अच्छा बीता। सभी एनिमल्स बहुत ही हेल्दी और एक्टिव थे। इन सबको देखकर बच्चे ही नहीं, हम बड़े भी बहुत एक्साइटेड थे। सबने बहुत ही एंजॉय किया। ये हैं बैक्ट्रियन कैमल, जिनके दो कूबड़ हम्प होते हैं। कैमल अपने हम्प में फैट को स्टोर करता है और जब उसे खाना पीना नहीं मिलता है तो इसी फैट से उसे एनर्जी मिलती है। कई एनिमल्स तो मैंने यहाँ पहली बार देखे। आपने इन एनिमल्स को कहाँ कहाँ देखा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। सभी एनिमल्स हेल्दी और हैप्पी तो थे ही, साथ ही जू भी बहुत क्लीन और वेल मेंटेन्ड है और जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है बहुत क्रिएटिव है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।